स्वहेत सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये आचार्य श्री राम द्वारा गायत्री के ओम भूर भुवः स्वः की व्याख्या के द्वारा ईश्वर के विराट स्वरूप का विस्तृत रूप किया है। इस दूसरे वीडियो में हम उसका दूसरा हिस्सा ईश्वरवाद की व्याख्या और वास्तविकता से शुरू करते हैं। यद्यपि ईश्वर संसार का मूल आधार है और सृष्टि के आदि से सभी मनुष्य किसी न किसी रूप में उसे मानते आए हैं, तो भी विद्वानों में इस संबंध में काफी मतभेद हैं। खासकर दार्शनिक विद्वान तो केवल उसकी बात को स्वीकार कर सकते हैं जो तर्क संगत हो। इस दृष्टि से ईश्वरवाद के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की जानी आवश्यक है। वैदिक ईश्वरवाद का विश्लेषण करने पर हमें उसके अंतर्गत निम्न तत्वों का समावेश पाते हैं। एक, ईश्वर हमारे गुप्त कार्यों और विचारों को भी जानता है, वह बहुत बल वाला है। दूसरा, ईश्वर प्रसन्न होने पर भौतिक सुख सामग्रियां और परलोक में स्वर्ग और मोक्ष देता है। तीसरा, वह नाराज होने पर दैविक दैहिक और भौतिक कष्ट देता है। चौथा, धर्माचरण और उपासना से वह प्रसन्न होता है, पापी और नास्तिक पर अप्रसन्न होता है। अनेका अनेक मंत्र सूत्र श्लोक इन्हीं चार धारणाओं के आसपास चक्कर लगाते हैं, अर्थात नाना प्रकार से इन्हीं चार बातों का प्रतिपादन उपदेश करते हैं। अब हमें विचार करना चाहिए कि कैसी बुद्धिमता पूर्वक मानसिक शासन करने की यह व्यवस्था है। ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारे सब कामों को देखता है, यह शासन की अत्यंत व्यापकता के लिए है। देखा गया है कि पुलिस थाने के पास चोर लोग उपद्रव नहीं मचाते, पर जहां पुलिस की पहुंच कम और देर में होती है वहां चोरियां डकैतियां अधिक होती हैं। भरी हुई चलने वाली सड़कों पर तो लूट नहीं हो सकती, पर निर्जन स्थानों में लुटेरों की खूब घात लगती है। प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में अपराध अधिक होते हैं। इससे प्रतीत होता है कि दुष्टता भरे काम की अधिकता एवं न्यूनता इस बात पर निर्भर है कि चोर को कोई देखता है या नहीं, देखने वाला पहलवान है या नहीं। बंदर किसी छोटे बच्चे को कमजोर समझकर उसके हाथ से रोटी छीन लेता, पर बड़े आदमी की ओर बढ़ने में उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बंदर जानता है कि बलवान आदमी सहज में रोटी नहीं छीनने देगा और डंडे से हड्डी पसली तोड़ कर रख देगा। ईश्वर अनंत बल वाला है, सर्वव्यापक है और पाप से अप्रसन्न होता है। इसका अर्थ दूसरे शब्दों में यह हो सकता है कि कोई हाथी जैसे बल वाला पुलिस का खुफिया सिपाही हाथ में संगीन
और हथकड़ी लिए अदृश्य रूप से हमारी निगरानी के लिए हर वक्त सिर के ऊपर उड़ता फिरता है। यह विश्वास जितना ही अधिक सच्चा, स्पष्ट और बलवान होता है, उतना ही मनुष्य धर्मप्रिय बन जाता है। उपरोक्त विश्वास जितना ही संशयात्मक, अस्पष्ट, धुंधला और निर्बल होता है, उतना ही स्वच्छंदता एवं दाम्भिकता बढ़ती जाती है। अपराधी मनोवृत्ति उसी मात्रा में बढ़ती जाती है। ईश्वरीय शासन नहीं है, संदेहात्मक एवं निर्बल है, ऐसी मान्यता बढ़ने से मानसिक अराजकता फैलती है। जब गदर होता है तब उपद्रवी लोग पूरी तरह स्वार्थ साधन करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास होता है कि राज सत्ता नष्ट या निर्बल हो गई है, वह हमें दंड नहीं दे सकती। हम देखते हैं कि ईश्वर भक्त कहने वाले लोग भी बड़े पाप करते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक हेतु यह है कि पाखंड की तरह लोगों को बुलावे में डालने के लिए सस्ती वाहवाही लूटने के निमित्त वे लंबे चौड़े तिलक लगाते हैं, कंठी माला धारण करते हैं, राम धुन लगाते हैं, पर मानसिक भूमिका के अंतर्गत ईश्वर की अत्यंत ही धुंधली सत्ता धारण किए रहते हैं। ऊपर की पंक्तियों में अदृश्य रूप से चौकीदारी करते हुए सिर पर उड़ने वाले पुलिसमैन के समतुल्य जिस कल्पना का उल्लेख किया गया है, वह चित्र तो उनके मन में बहुत ही धुंधला होता है। इसलिए मानसिक अराजकता के अंधेरे में उनकी पशु प्रवृत्तियां मनमानी करती रहती हैं। ईश्वरवाद का वह प्रथम सिद्धांत ही आधारभूत है। ऐसी घड़ी किस काम की जिसमें सुइयां न हों, बेपंदे का लोटा भला किसी का क्या प्यास बुझा सकता है। वेद के जितने ही मंत्रों में ईश्वर संबंधी वर्णन है, उनके अधिकांश भाग में ईश्वर के महानता सूचक गुणों का गान है। उन गुणों में भी सर्वव्यापकता और बलशालीनता का उल्लेख अधिक किया है। प्रयोजन यह है कि मनुष्यों के मस्तिष्क में यह चित्र बहुत ही साफ और सुदृढ़ बन जाए कि वह अनंत बल वाला शंख, चक्र, गदा जैसे कठोर दंड शास्त्रों से सुसज्जित ईश्वर पाप से बहुत कुड़ता है और हमारी चौकीदारी के लिए अदृश्य रूप से हर घड़ी साथ रहता है। जिसके मन में यह कल्पना चित्र जितना अधिक गहरा और श्रद्धा विश्वास में है, वह उतना ही बड़ा आस्तिक है। जिसके अंतःकरण में यह विश्वास जितना निर्बल है, वह उतने ही अंशों में नास्तिक है। चार सिद्धांतों में ऊपर कहा हुआ सर्वव्यापकता का सिद्धांत प्रमुख है। शेष तीन उसकी पूर्ति के लिए हैं। प्रश्न प्रलोभन का तत्व मौजूद है, जो पशु स्वभाव को ललचाने के लिए आवश्यक है। धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा अंश महात्म्य के वर्णन में लिखा हुआ है। गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनने से धन प्राप्त होता है, शंकर जी अवघड़दानी हैं, वे खुश हो जाएं तो माला माल कर देते हैं, हनुमान जी रोगों भूत पिशाचों को मार भगाते हैं, तुलसी पूजन से लड़की को अच्छा एवं लड़के को गुड़िया सी बहू मिलती है, ब्रह्म कुंड में स्नान करने से संतान होती है, हर एक तीर्थ का, व्रत उपवास का, पुस्तक सुनने पढ़ने का, सत्संग का, निदान छोटे से बड़े तक सभी उत्तम कामों के हिंदू धर्म ग्रंथों में बड़े बड़े महात्म्य लिखे मिलते हैं। वह सब मनुष्य के पशु स्वभाव को ललचाने के लिए हैं। बैल को घास के तृण दिखाते ले जाइए, वह आपके पीछे पीछे चला चलेगा। छोटी मानस
चेतना वालों के लिए प्रलोभन आवश्यक समझकर महात्म्यों का उल्लेख करना धर्माचार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसके बिना वह कार्य आगे न बढ़ता और गाड़ी रुक जाती। ईश्वर के संबंध में भी उन्हें इसी नीति का अवलंबन करना पड़ा। तार्किक लोग अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि भजन का कुछ महत्व नहीं, भजन करने वालों को कोई ऐसी संपदा नहीं मिलती जो भजन न करने वाले को नहीं मिलती हो, यदि मिलती है तो उसमें उनका कर्तव्य हेतु होता है भजन नहीं। ऐसे महानुभावों से हमारा निवेदन है कि वे हर बात में तर्क न करें, दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी। ऐसे उपदेश माताएं अपने बच्चों को अधिक दूध पिलाने के लिए करती हैं। अमुक काम कर लावेगा तो राजा बेटा हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रलोभनों द्वारा माताएं अपने बालकों को आज्ञानुवर्ती बनाती हैं। यदि माताएं इस मार्ग को छोड़कर अधिक दूध पिलाने के लिए बच्चे को समझाए कि दूध में विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन आदि ऐसे तत्व हैं जो रक्त के श्वेत कीटाणुओं की वृद्धि करते हैं, तो यह उपदेश सत्य होने पर भी निरर्थक होगा। आज्ञानुवर्ती बनाने के लिए यदि वे राजा बेटा होने का प्रलोभन छोड़ दें और मनुस्मृति के श्लोक खोलकर धर्मोपदेश सुनावे, अवे बच्चों को अल्पज होने के कारण माता की आज्ञा मानने से ही अधिक मानसिक विकास होता है, ऐसा उपदेश करें तो वह निरर्थक होगा। तार्किक कह सकते हैं कि माता झूठ बोलती है, चोटी बढ़ाने और राजा बेटा होने का प्रलोभन असत्य है, परंतु इतना कहने से ही काम नहीं चलेगा। उन्हें वास्तविकता की पेचीदगी तक पहुंचना होगा। छोटे बच्चों का अविकसित मस्तिष्क लोभ के अतिरिक्त और किसी ढंग से प्रभावित नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार धर्माचार्यों ने भी मार्ग में बाल बुद्धि स्वल्प ज्ञान रखने वालों के लिए नाना प्रलोभनों से युक्त महात्म्यों की रचना की और कोई मार्ग भी तो उनके पास नहीं था। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से ही सुख मिल सकता है, ऐसी मान्यता रखने वालों से हमारा कुछ विरोध नहीं है। शास्त्र में ईश्वर शब्द बहुत अर्थवाचक है, कहीं कहीं इसका अर्थ कर्म भी होता है। कर्तव्यवादी इस स्थल पर ईश्वर शब्द का अर्थ कम करते हों तो कोई आपत्ति नहीं। इसके बाद भय का नंबर आता है, अप्रसन्न होने पर ईश्वर नाना प्रकार के दंड देता है। यह प्रलोभन वाले उपयुक्त भाग का दूसरा पहलू है। किसी पदार्थ के दो पहलू होते हैं, एक उजाला दूसरा अंधेरा। ब्रह्मचर्य रखने से बलवान बनोगे, यह वीर्य रक्षा का उजाला पहलू है। वीर्य नाश करने से रोगों से ग्रसित हो जाओगे, यह उसी एक सिद्धांत का अंधेरा पहलू है। विद्या पढ़ने से कितने सुख मिलेंगे जब यह बताया जाता है, तो यह भी कहा जाता है कि न पढ़ने से बहुत अभावग्रस्त एवं दुखी जीवन बिताना पड़ेगा। इसी प्रकार जहाँ ईश्वर की प्रसन्नता से सुख मिलना कहा गया है, वहाँ उसका अंधेरा पहलू यह भी बताया गया है कि ईश्वर के नाराज होने से दुख और कष्ट मिलते हैं। लाभ को उजला कहा जाता है, भय उसका अंधेरा पहलू है। लोभ से भी आगे न चलने वाले पशु स्वभाव के लिए अंतिम मार्ग भय ही बच रहता है। धर्म आज्ञाओं पर न चलोगे तो ईश्वर नाना प्रकार के आदि व्याधियों से व्यथित कर डालेगा। यह भावना अधर्म पर चलने से रोकती है। यदि गहरा विश्वास जम जाए तो निसंदेह जीवन की सारी क्रियाएं उसी के अनुकूल होने लगती हैं। पानी में डूबने से मृत्यु हो जाती है, यह विश्वास सदैव गहरे पानी में जाने से सावधान करता रहता है। प्रत्यक्ष रूप से
डूब कर मरने का अनुभव अपने को चाहे जीवन भर न हुआ हो, पर विश्वास अनुभव से भी अधिक प्रबल होता है। अनुभव को भूला जा सकता है, पर विश्वास का भी स्मरण नहीं होता। भूतों का विश्वास अधिकांश में कल्पित होता है, पर उस अंधविश्वास से ही अगणित व्यक्ति सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। कितने तो उसी में उलझ कर मर तक जाते हैं। निसंदेह विश्वास बड़ी प्रबल शक्ति है। ईश्वर पाप का दंड देता है, यदि इस बात का पूर्ण निश्चय हो जाए तो संगीन के पहरे में हथकड़ी लगा हुआ कैदी जैसे भल मन सहत के साथ चलता है, वैसा ही आचरण ईश्वरवादी को करना पड़ेगा। चौथा तत्व यह है कि धर्माचरण और उपासना से ईश्वर प्रसन्न होता है, इसके विपरीत से अप्रसन्न। धर्माचरण की बात हम उपरोक्त पंक्तियों में विस्तार पूर्वक समझा चुके हैं कि तुच्छ स्वार्थ से पशुवृत्ति से सामाजिक जीवन की ओर बढ़ने के लिए धर्म का सारा विधान है, और इस विधान के रक्षा के लिए ईश्वरीय शासन की स्थापना है। इसलिए यह बात सामने आने पर भारी संदेह उठ खड़ा होता है, क्योंकि इससे तो ईश्वर चापलूसी पसंद पक्षपाती नवाब प्रकृति का सिद्ध होता है। उसकी अलिप्तता समदर्शीपन निष्प्रियता पर स्पष्ट आक्षेप आता है, और वह भी साधारण मनोविकारी मनुष्य की सीमा में आ जाता है। इस संदेह का समाधान करने के लिए केवल शुष्क वाद विवाद से काम नहीं चलेगा, वरन हमें गहराई में उतरकर उस निमित्त का पता लगाना होगा जिसके कारण ईश्वर को उपासना प्रिय स्वभाव वाला माना गया है। डॉक्टर ने अपने अनुसंधानों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि मूल वृत्तियों के विरुद्ध यदि कोई नवीन मार्ग निकालना हो तो उसके बार बार लगातार और कठोर प्रयत्न द्वारा नई आदत डालनी पड़ती है। इस पर भी वह आदत इतनी निर्बल होती है कि कुछ दिनों उसकी ओर से उदासीनता धारण कर ली जाए तो वह मिट जाती है। इसलिए ऐसी आदतों को सुरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ता है। यह अनादि सत्य वैदिक ऋषियों को भी ज्ञात था। उन्होंने सोचा कि ईश्वरीय शासन की सर्वांगीण व्यवस्था बना देने पर यह पशु प्रवृत्तियों के मुकाबले में हल्की रहेगी, और जरा भी ढील देने पर कठिनाई बढ़ जाएगी। इसलिए नित्य कई कई विशेष प्रेम एवं भक्ति के साथ मूर्ति पूजा के सहारे ध्यान में मगन होकर नित्य नैमित्तिक कर्म कांडों द्वारा ईश्वर की पूजा उपासना करते रहने का आदेश किया। पतंग बनाई जाए, उसमें डोरी बांधी जाए, हवा में उड़ाई जाए, फिर डोरी को हाथ में से छोड़ दिया जाए तो सारा प्रयत्न निरर्थक हो जाए। जब तक पतंग को हवा में उड़ाना है तब तक डोरी को हाथ में रखना चाहिए, उसकी गतिविधि का संचालन करना चाहिए। फौजी सिपाहियों को नित्य परेड करनी पड़ती है ताकि वह उस शिक्षा को न भूल जाएं वरन अभ्यस्त बने रहें। धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर का शासन बनाया गया, पर बिना नियमितता के वह शासन विधान कैसे चलेगा? क्योंकि ईश्वरवाद नया शिक्षण है, स्वार्थों को जीवन जानता है, पर ईश्वर के बारे में उसकी मनुष्य योनि में ही ज्ञान मिलता है। पुरानी आदत के मुकाबले में नई निश्चय ही कमजोर होती है। जंगली सुग्गा बेर जामुन खाया करता है, पर सोने की पिंजड़े में दाख अंगूर खाने का नया सुख ग्रहण करने के लिए पकड़ा जाना पसंद नहीं करता। पिंजड़े में उत्तम रहन सहन मिलने पर भी वह फिर से उड़ जाने का यत्न करता है। पिंजड़े की तिल्लियों से लड़ते हुए भागने का उसका यह यत्न नित्य ही देखा जा सकता है।
यदि पिंजड़ा कमजोर हो तो संभव है कि नई सुव्यवस्था को ठुकरा कर सुग्गा उड़ जाए, चाहे उसे जंगल में कष्ट क्यों नहीं सहना पड़े। यही देवासुर संग्राम मनुष्य के मन में नित्य होता है। आगे बढ़ने और पीछे हटने की रस्साकसी ही खिंची रहती है। ढील पड़ते ही गुड़ गोबर हो सकती है। इसलिए ईश्वरवाद के आचार्यों ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि ईश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिए। इसके बिना ईश्वरीय शासन पर विश्वास करने का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। यही लाभ प्राप्त करना ईश्वर की प्रसन्नता एवं उसे प्राप्त न करना उसकी अप्रसन्नता के अर्थों में कहा गया है। हम मानते हैं कि ईश्वर निष्प्रह है, उसे निंदा स्तुति की आवश्यकता नहीं, परंतु यह भी मानना पड़ेगा कि नित्य की उपासना किए बिना ईश्वरीय शासन का विश्वास मन में दृढ़ बनाए रखना कठिन है। प्रसन्नता अप्रसन्नता को आलंकारिक शब्दों में या इसी प्रयोजन से प्रयोग किया गया है। प्रसन्न होना सुख देना, अप्रसन्न होना दुख देना, ईश्वर के इस कार्य कर्म पर हम मोटी दृष्टि से वाद विवाद करके किसी ठीक निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। यदि हम आज इसका भावार्थ यूँ समझें कि ईश्वर उपासना में मनुष्य अपने पशु स्वभाव को दबाए रहकर सुख शांति में जीवन बिताता रह सकता है, तो यह अर्थ ठीक शास्त्रकार के आंतरिक इच्छा के ही अनुकूल होगा। महात्म्यों का वर्णन करते इसमें प्रलोभनों का समावेश जिस दृष्टि से हुआ है, उसी दृष्टि से उपासना से ईश्वर के प्रसन्न होने और सुख देने का वर्णन है। मूल तात्पर्य इतना ही है कि ईश्वरीय विश्वासों को दृढ़ रखने का निरंतर अभ्यास रखना आवश्यक है, जिससे धर्माचरण के लिए हमारे पूज्य पूर्वजों ने जो गुड मानसिक रहस्यों के आधार पर ईश्वरवाद की महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाई है, वह सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनी रहे। ईश्वर की अनुभूति कैसे हो? जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होगी वह उतनी ही व्यापक होगी। पंचभूतों में पृथ्वी से जल, जल से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से आकाश सूक्ष्म है, इसलिए एक दूसरे से अधिक व्यापक हैं। आकाश ईथर तत्व हर जगह व्याप्त है, पर ईश्वर की सूक्ष्मता सर्वोपरि है, इसलिए इसकी व्यापकता भी अधिक है। विश्व में रंच मात्र भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ ईश्वर न हो। अणु अणु में उसकी महत्ता व्याप्त हो रही है। स्थान विशेष में ईश्वर तत्व की न्यूनाधिकता हो सकती है, जैसा कि चूल्हे के आसपास गर्मी अधिक होती है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि उस स्थान पर अग्नि तत्व की विशेषता है। इसी प्रकार जलाशयों के समीप शीतल स्थान में अग्नि तत्व की न्यूनता कही जाएगी। जहाँ सत्य का विवेक का आचरण अधिक है, वहाँ ईश्वर की विशेष कलाएं विद्यमान हैं। जहाँ आलस्य प्रमाद पशुता ज्ञान है, वहाँ उसकी न्यूनता कही जाएगी। संपूर्ण शरीर में जीव व्याप्त है, जीव के कारण ही शरीर की स्थिति में और वृद्धि होती है, परंतु उनमें भी स्थान विशेष पर जीव की न्यूनाधिकता देखी जाती है। हृदय, मस्तिष्क, पेट और मर्म स्थानों पर तीव्र आघात लगने से मृत्यु हो जाती है, परंतु हाथ, पांव, कान, नाक, नितंब आदि स्थानों पर उसे भी अधिक आघात सहन हो जाता है। बाल और पके हुए नाखून जीव की सत्ता से बढ़ते हैं, पर उन्हें काट देने से जीव की कुछ भी हानि नहीं होती। संसार में सर्वत्र ईश्वर व्याप्त है, ईश्वर की शक्ति से ही सब काम होते हैं, परंतु सत्य और धर्म के कामों में ईश्वर तत्व की अधिकता है। इसी प्रकार पाप प्रवृत्तियों में ईश्वरीय तत्व की न्यूनता समझना चाहिए। धर्मात्मा, मनस्वी, उपकारी, विवेकवान और तेजस्वी महापुरुषों को अवतार कहा जाता है, क्योंकि उनकी
सत्य निष्ठा के आकर्षण से ईश्वर की मात्रा उनके अंतर्गत अधिक होती है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गौ में तथा अन्य जातियों की अपेक्षा ब्राह्मण में ईश्वर अंश अधिक माना गया है, क्योंकि उनकी सत्य निष्ठा, उपकारी स्वभाव, ईश्वर भक्ति को बलपूर्वक अपने अंदर अधिक मात्रा में खींचकर धारण कर लेता है। उपरोक्त पंक्तियों में बताया जा चुका है कि संपूर्ण जन चेतन सृष्टि का निर्माण, नियंत्रण, संचालन और व्यवस्था करने वाली आदिवी शक्ति को ईश्वर कहते हैं। यह संपूर्ण विश्व के तिल तिल स्थान में व्याप्त है और सत्य की, विवेक की, कर्तव्य की जहाँ अधिकता है वहाँ ईश्वरीय अंश अधिक है। जिन स्थानों में अधर्म का जितने अंशों में समावेश है वहाँ उतने ही अंश में ईश्वरीय दिव्य सत्ता की न्यूनता है। ईश्वर के सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का क्या उद्देश्य है, इसका ठीक ठीक कारण जान लेना मानव बुद्धि के लिए अभी तक शक्य नहीं हुआ है। शास्त्रकारों ने अनेक अटकलें इस संबंध में लगाई हैं, पर उनमें से एक भी ऐसी नहीं है जिससे पूरा संतोष हो सके। सृष्टि रचना में ईश्वर का उद्देश्य अभी तक अज्ञेय बना हुआ है। भारतीय अध्यात्मवेत्ता इसे ईश्वर की लीला कहते हैं। अतः ईश्वरवाद का सिद्धांत सर्वथा स्वाभाविक और मनुष्य के हित के अनुकूल है। आज तक मानव समाज ने जो कसौटी की है, जिसका सबसे बड़ा आधार ईश्वरीय विश्वास ही है, बिना परमात्मा का आश्रय लिए मनुष्य की स्थिति बड़ी निराधार हो जाती है, जिससे वह अपना कोई भी लक्ष्य शिथर नहीं कर सकता और बिना लक्ष्य संसार में कोई महान कार्य संभव नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के विराट स्वरूप के रहस्य को समझकर ही हमको संसार में अपनी जीवन यात्रा संचालित करनी चाहिए। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।